दोस्तों कैंडिड टीवी शैम्पू यूजुअली डॉक्टर उन्हीं को रिकमेंड करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की तकलीफ है, उन्हीं को यूजुअली कैंडिड टीवी शैम्पू रिकमेंड किया जाता है। और इसके दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो क्लोट्रिमाजोल है इसमें 1% और सेलेनियम सल्फाइड है 2.5%। अब इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए दोस्तों, देखिए क्लोट्रिमाजोल की बात की जाए तो क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल है। हमारे बालों में एक फंगस रहता है जो डैंड्रफ बनाता है, जिसकी जो डैंड्रफ जिससे बनता है, ये फंगस क्या करता है कि डैंड्रफ बहुत बढ़ाता जाता है हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ बढ़ाता जाता है। तो ये फंगस को कम करने का काम करता है कैंडिड टीवी शैम्पू, और ये फंगस को काफ़ी घटाने का काम करता है कैंडिड टीवी शैम्पू। तो ऑल इन ऑल जो क्लोट्रिमाजोल कंटेंट है वो क्या करता है कि वो इस फंगस के लिए जहर है। तो ये जैसे ही आप लगाते हैं, हमारे लिए जहर नहीं है, फंगस के लिए जहर है। तो जैसे ही आप ये लगाते हैं वो क्या करता है, जो फंगस आपको फंगल इन्फेक्शन दे रहा है और जो आपको डैंड्रफ दे रहा है, तो उस फंगस को वो मार देता है, उस कीटाणु को वो नष्ट कर देता है। तो ऑल इन ऑल क्लोट्रिमाजोल जो इंग्रेडिएंट इन्होंने डाला है बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। सेलेनियम सल्फाइड दोस्तों डैंड्रफ को निकालने का काम करता है, जड़ से निकालने का काम करता है। सेलेनियम सल्फाइड एक ऐसी दवा है जो डैंड्रफ को पकड़ के बाहर निकालती है, बाहर खींचती है डैंड्रफ को। तो ऑल इन ऑल जो दूसरा इंग्रेडिएंट डाला गया है इसमें सेलेनियम सल्फाइड, वो भी काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो देखा जाए तो कैंडिड टीवी शैम्पू काफी अच्छा शैम्पू है जिसको बालों में डैंड्रफ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बालों में स्केलीनेस, मतलब छिलके, थोड़े छिलके टाइप निकलते हैं चमड़ी में से, तो उनको भी बहुत, उनके लिए भी काफी इफेक्टिव है कैंडिड टीवी शैम्पू। अब बात की जाए शैम्पू की पैकेजिंग की, तो 233 रुपीज़ उसका MRP है और इसे ग्लेनमा कंपनी मार्केट करती है। बात करें इसके फ्रेग्रेंस की, तो काफ़ी केमिकल टाइप फ्रेग्रेंस है क्योंकि सेलेनियम सल्फाइड डाला गया है, तो थोड़ा केमिकल फ्रेग्रेंस आता ही है कैंडिड टीवी शैम्पू में से। तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, श्योरली इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप श्योरली इसे इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा आपको। लेकिन आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो सिर्फ एक ही इसका साइड इफेक्ट है कि ये बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप श्योरली इसे इस्तेमाल करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो बालों को ड्राई कर देता है, लेकिन थोड़ा इचिंग आपको दे सकता है कभी कभार, लेकिन वो भी किसी किसी को नहीं होती है। अगर आपको शैम्पू सूट नहीं करता है तो आप इसे बंद कर दीजिए, सूट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, श्योरली इसे आगे कंटिन्यू कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।